वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे कि विष्णु पुराण के अनुसार चार प्रकार की स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अंदर स्त्रियों से संबंधित बहुत सारी बातें मिलती हैं और उसी के हिसाब से उसके अंदर ऐसी स्त्रियों का वर्णन किया गया है चार प्रकार की, जिससे शादी करने से घर में कलह का वातावरण बनता है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो मैं अपने विचार से नहीं बता रहा हूँ, वो मैं विष्णु पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। विष्णु पुराण के अंदर ऐसी बहुत सारी बातों का वर्णन है। तो जितनी भी माताएं हैं, बहन है, वो इसको पर्सनली मत लीजिएगा। विष्णु पुराण के अंदर चार प्रकार की स्त्रियां हैं जिससे विवाह करने पर मनुष्य के घर में कलह का वातावरण बनता है या तो बीमारियां उसके घर में आ सकती हैं। सबसे पहला है कि उस स्त्री से शादी नहीं करनी चाहिए जिसका पिता या माता से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध हो। हालांकि हमारे शास्त्रों में गोत्र में शादी करना सही माना गया है, एक ही गोत्र में, लेकिन जिस स्त्री का अपने पिता से 7 पीढ़ी तक और अपनी माता से 4 पीढ़ी तक का संबंध हो उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है कि इससे जेनेटिक बीमारियां होने की संभावना रहती है। दूसरा रीजन है, दूसरी जो स्त्री है वो है बुरा बोलने वाली। विष्णु पुराण के अंदर लिखा गया है कि जो स्त्री बुरा बोलती है यानी कि कटु वचन बोलती है उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जीभ होती है उस पर मां सरस्वती का निवास होता है। अगर स्त्री कटु वचन बोलेगी तो उसका स्वभाव और उसका कर्म भी उसके बुरे वचन की तरह बुरा हो जाएगा। इससे घर में कलह यानी कि अशांति का माहौल खड़ा होगा। हमारे विचार और हमारी वाणी, ये दोनों चीज हमारे कर्म पे सबसे ज्यादा असर करती है। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी वाणी होती है, उसी तरह से हमारे कर्म भी बन जाते हैं। तो उस प्रकार की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिसकी जीभ यानी कि जिसके जीभ में मां सरस्वती का निवास ना हो, यानी कि वो बुरा बोलती हो। तीसरा है जो स्त्री देर तक सोती रहती है। देर तक जो स्त्री सोती रहती है वो आलसी होती है, और ऐसी स्त्रियां घर की जिम्मेदारी और पारिवारिक जितनी भी उसकी जिम्मेदारी होती है उसको वो निभा नहीं पाती। और जाहिर सी बात है कि इससे घर के अंदर गंदगी भी बढ़ती है, क्योंकि अगर कोई भी स्त्री, मान लीजिए कोई भी स्त्री अगर 12 बजे या 1 बजे तक सोती है, 11 बजे तक सोती है, तो उससे घर की जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाएगी। इसका असर ये होगा कि घर में गंदगी बढ़ेगी और जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे देवता का स्थान नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं टिकती है। तो इससे भी पारिवारिक कलह यानी कि अशांति आ सकती है। चौथी स्त्री ऐसी है कि जो स्त्री दुष्ट पुरुष से संबंध रखती है, यानी कि जिस स्त्री का संबंध यानी कि उसका आचार विचार, उसका उठना बैठना अगर दुष्ट पुरुष के साथ होता है, अगर कोई चारित्रहीन पुरुष के साथ होता है, तो ऐसी स्त्री से भी आपसे विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि सीधी बात है, अगर किसी स्त्री का संबंध दुष्ट पुरुष यानी कि चारित्रहीन व्यक्ति से है तो उसका चारित्र भी उसी की तरह हो जाता है, क्योंकि पुरुष स्त्री पे, स्त्रियों पर पुरुष जल्दी हावी होता है, क्योंकि स्त्रियों को डाइवर्ट करना आसान होता है, क्योंकि उसमें ये नेचुरल गुण है कि उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो यही चार प्रकार की स्त्रियां है जिस विष्णु पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि इसी चार प्रकार की स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह, और इसके अनुसार जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो परिवार को भी खुश रख सके और अपने पति को भी खुश रख सके और अपनी जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, वो अच्छी तरह से निभा पाए। तो धन्यवाद, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।